मनपा के प्रभाग रचना को लेकर 3582 शिकायतों की आज सुनवाई की गई। एनएमएमसी मुख्यालय में आयोजित इस सुनवाई में निर्वाचन विभाग और महानगर पालिका अधिकारियों ने प्रभाग रचना में हुई खामियों और शिकायतकर्ताओं की दलील सुनी। पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने और एमके मडवी के प्रभाग की रचना का मामला सबसे अधिक सुर्खियों में रहा, जिस पर ज्यादा बहस की। इस दौरान पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक और वरिष्ठ नेता दशरथ भगत भी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवीन भाई, मनपा चुनाव के लिए बनाए गए 122 प्रभागों की रचना पर बवाल मचा है। 3582 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन पर आज निर्वाचन अधिकारियों ने सुनवाई की। इस दौरान बीजेपी नेता, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व मेयर सागर नाइक समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा बहस पूर्व मेयर सुधाकर सोनावने और एमके मढ़वी के प्रभाग को लेकर हुई, जिसमें बड़ी धांधली का आरोप है। सुनवाई के बाद मीडिया से बोलते हुए सुधाकर सोनावने और दूसरे बीजेपी पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रभाग का मतलब कुछ विकास नहीं हुआ है, पहले तो वो ये सोच ले कि वो विभाग किस क्षेत्र में था। वो साई बाबा नगर जो है वो पूरा का पूरा यादव नगर का हिस्सा था 2015 से लेकर आज तक। 7 साल में यादव नगर के नगर सेवक ने वहाँ पर क्या विकास किया है उसकी बात करो ना। वो विकास मैंने वहाँ तक पहुँचाया, जो गली, गटर, रास्ते, पानी और लाइट हमने दी है, तो वो 2015 के पहले हमने दी है। लेकिन आज के तारीख में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर वो प्रभाग यादव नगर से जुड़ा है, तो सवाल भी यादव नगर को पूछना चाहिए। वो नहीं है कि प्रभाग क्रमांक 18 और 19 में जो हुआ है वो पूरे नवी में के विकास के साथ में अगर कंपेयर करोगे तो आप सब देखते हैं, वो खुला किताब है हमारा। इसलिए ऐसे ही नहीं 1500 लोग यहाँ पर उपस्थित है, अपना काम धंधा छोड़ के लोग, कोई चल के आया है, कोई गाड़ी से आया है, कोई रिक्शा से आया है, यहाँ पहुँचा है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन चंद लोगों को यहाँ पर खिला पिला कर जो चिल्लाने के लिए छोड़ा था, वो चिल्ला के कुछ नहीं होगा, चिल्ला के बटन नहीं दबाया जाएगा भाई। जो बटन दबाने वाले लोग हैं ना, वो चिल्लाते नहीं है, उनकी आवाज़ जो है वो भले गुमसों में है लेकिन उसका धमाका बहुत बड़ा होता है। वो धमाका आपको मालूम पड़ेगा। हमने हमारी जो राय है कानूनन वहाँ पर रखी है, जिस प्रकार से वार्ड फॉर्मेशन में धांधली हुई है उसका विरोध किया है, और विरोध करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं। हमने हमारी बात चुनाव आयोग के सामने और निवडणूक निर्णय अधिकारी के सामने रखी है, और हम नहीं चाहते कि हमारे वार्ड का विभाजन हो। विभाजन हुआ भी है तो हमें हमारा जो प्रत्याशी है हमें वही चाहिए वहाँ से। हमें बाहर के सत्ताधारियों की जरूरत नहीं है, हमारे वार्ड में हर एक चीज़ की पूर्ति है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक है, और गार्डन है, नल जल गटर मीटर सब कुछ है। पालिके ने फोड़ा है तो वार्ड आमचा न फोड़ता। पहला 19-20 वार्ड जो होता तो असाच वार्ड रहा, आणि सगळे मिळून एकत्रच आम्ही आहे, एकत्र भावबंध सारखे आम्ही राहू। मी दिगंबर इंदुलकर आहे, मी एक दिगंबर इंदुलकर आहे। ये स्कूल बनाया ना वो एकदम गटर था, गटर था। हम लोग ने साफ सफाई करके है ना एकदम उधर स्कूल बनाया, सोना बनाया, वो सुधाकर सोनावने ने बनाया। और जो हमारा वार्ड है 19-20 वो तो फुटला नहीं पाहिजे, आणि संडास बिंडासचे साफ बीप करून आहे ना, तिथे शाळा बनवल्या, त्या सगळं साफसफाई करून हे करून केलं, मग तो वार्ड आमचा फुटो। आम्ही जे गुन्हेगारांनी वागतोय ना तसंच राहावं, आणि 19-20 जसं आहे वार्ड ना तसंच राहू दे, आणि सुधाकर सोनावने जसं बनवलं नाही बनवलेलं ना तसं आम्हाला पाहिजे, आणि तेच पाहिजे आम्हाला। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।